चलो बेटा, तो हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इसमें। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन है जिसमें सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, कौन सा नंबर था भाई बताना? 39th। ओके, तो मैं पीडीएफ से ही डिस्कस कर रहा हूँ, सभी लोग 39 पे ही ध्यान देना, राइट। तो इसमें चार आपको मौलिक कंपाउंड दिए हैं, MgSO4, RaSO4, SrSO4 एंड BaSO4, ये चार आपको कंपाउंड दिए हैं। अब इसमें आपसे सीधा सा ये क्वेश्चन है कि भाई इनमें से किसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लैटिस से। तो आप अगर रिलेटिव डिस्कस करो तो सभी में आपको हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों का ऑर्डर वही है, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई? लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R प्लस कैपिटल R, जिसमें स्मॉल R का मतलब क्या है? स्मॉल R का मतलब क्या है? स्मॉल आर का मतलब है रेडियस ऑफ कैटायन, एंड कैपिटल आर का मतलब क्या है? अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? तो हमें पता है कि जब ये आयंस पानी में डाले जाते हैं तो ये आयंस में टूट जाते हैं, आयनिक कंपाउंड है ना, और आयंस में टूटेगा और पानी के अंदर है तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या आपको ध्यान आ रहा है? नेगेटिव पे पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा तो हाइड्रोजन एच प्लस वाला फॉर्म अट्रैक्ट होगा, और ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से सराउंड हो जाएगा, ये सुनो। तो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू, तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, ये जो एनर्जी निकल रही है इसी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि भाई 1 मोल अगर कोई आयन आपने ले रखा है और सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर रखो, मतलब एक्सेस में रखो, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वही उसका हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी इस पे भी और इस पे भी कौन सॉल्वेट होगा भाई? ये तो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, तो इसका दूसरा पोल भी होगा ऑक्सीजन, तो इस पे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। क्या ये बात मैंने आयनिक में डिस्कस करी थी आप लोगों को? तो ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे जितने वीक आयन डाइपोल बनेंगे इंटरैक्शन, उतना ज्यादा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसके चार्ज टू साइज रेशियो पे ही डिपेंड करेगा ना, जितना इसका चार्ज ज्यादा होगा उतना Q1 इंटू Q2 का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना इसका साइज छोटा होगा उतना नजदीक आएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, पोलराइजिंग पावर, एंड पोलराइजिंग पावर क्या होता है जी? चार्ज टू साइज रेशियो। तो अब देखो दोनों में ही साइज नीचे आ रहा है, और आप देखो इस पूरे में तो सल्फेट कॉमन है सभी में। अगर सल्फेट कॉमन है तो हम क्या ध्यान देंगे? कैटायन पार्ट पे। कैटायन में एक कौन है? मैग्नीशियम। दूसरा कौन है? कैल्शियम। उसके बाद तीसरा कौन है? तो बताओ साइज ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो क्या होता है? बोलो, बढ़ता है। तो बढ़ते 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 साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये भी। तो लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, ऑर्डर सभी का यही है। लेकिन क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा ही नहीं है, इसने पूछा है कि भाई इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो लैटिस एनर्जी के वैल्यू से ज्यादा है। हाइड्रेशन ज्यादा अच्छा होगा तो कोई भी चीज इस फॉर्म में आना चाहेगा, और इस फॉर्म में आने का मतलब इसका जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। ये जो आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस के क्लस्टर में रहते हैं वो टूट जाएंगे, यानी डिजॉल्व अच्छे से होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि सॉलिबिलिटी कभी भी निकालना हो तो प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो बोल रहा है कि हाइड्रेशन ज्यादा लैटिस कम, इसका मतलब कौन सॉल्युबल है, क्वेश्चन बस इतना था। और सॉल्युबिलिटी का इनके केस में मैंने आपको ऑर्डर समझाया था, मैंने बोला था कि देख बेटा जब एनायन जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाएं, ये पांच पांच आइटम है देखना, तो सल्फर अपने आप में बड़ा होता है, सल्फर के बाद यहां पे लगे हुए चार चार ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल, तो इसको काफी बड़ा बना देते हैं। इनके सामने कैटायन बिल्कुल छोटा सा बच्चा की तरह है।
तो इनके बीच का जो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है उसमें डोमिनेटिंग फिगर किसका है, आर का, कैपिटल आर का। इसलिए बोलते हैं आर में यानी कैटायन के साइज में थोड़े बहुत चेंज करने से भी कोई खास फर्क नहीं आता है, ये वैल्यू नियरली कांस्टेंट, इसलिए लैटिस को कांस्टेंट मानो। और जब हाइड्रेशन निकालते हैं उसमें कैटायन का अलग निकालते हैं, एनायन का अलग निकालते हैं, क्योंकि दोनों सराउंड हो रहे हैं अलग अलग, एक में जुड़े नहीं हुए। अगर अलग अलग सराउंड हो रहे हैं तो एनायन तो सभी में सेम है तो वो कॉमन हो गया। कैटायन का हाइड्रेशन एनर्जी निकालोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का। फिर तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, मैग्नीशियम। लैटिस सभी की कांस्टेंट है बट हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा माइनस कांस्टेंट वैल्यू में यही वैल्यू आ जाएगा। और अगर थोड़ा तुम्हें ध्यान रहता, मैंने बोला था कि बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होते हैं पानी में, तो वहां से भी आंसर कर ले जाते हैं। इवन मैंने बोला था कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर सिर्फ एज्ड कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, अदरवाइज कैल्शियम सल्फेट भी पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। तो आपको इनमें से आंसर करना था, बेस्ट चूज करना था, मैग्नीशियम कर लेते। तुम्हें सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड भी याद रहता है तो उससे भी आंसर कर लेते। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा मैंने, घुमा के पूछा। शायद अगर मैं सॉल्युबिलिटी पूछता तो कई लोग आंसर कर ले जाते, लेकिन मैंने घुमा दिया क्वेश्चन को कि इसको कितने लोग समझे हैं इस बात को, उस पे बेस था। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे भाई आगे आने वाले टाइम में भी। तो अच्छा क्वेश्चन भाई। आओ चलो कर रहे हैं, कौन सा नंबर बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 40 के बीच में और कोई डाउट है तो आप बताओ, पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हें स्ट्राइक नहीं किया हो, जो टॉपिक पढ़ के आए हो स्ट्राइक नहीं किया, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 40 में और कोई डाउट है? अच्छा 37 समझो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो भाई। गाइस फोकस हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज रॉन्ग, यही क्वेश्चन है। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, बोलिए, लिथियम क्लोराइड एंड सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, सारे हैलाइड्स के बीच में पूछा है कौन सा रॉन्ग है। अब देखो इंटरेस्टिंगली इसमें मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र आ गया है ना, एंड सॉल्युबिलिटी का जिक्र आ गया है। बोलो। अच्छा अब देखो, मैंने मेल्टिंग पॉइंट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, मेल्टिंग पॉइंट को मैंने कभी डायरेक्टली बताया ही नहीं क्योंकि वो बड़ा मतलब क्लमजी सा टर्म है। मेल्ट होने का मतलब किसी का सॉलिड स्ट्रक्चर, जो प्लस और माइनस का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक होकर के ये थोड़े दूर दूर हो जाए। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, यही ना, कि जो एकदम सॉलिड पैकिंग है वो डिस्टर्ब होकर लिक्विड स्टेट में आ जाए। मेल्ट होने का अगर पिक्चराइज करना चाहते हो तो कुछ ऐसी बात है कि थोड़े दूर आ गए, ये मोल्टेन ना पिक्चर के फॉर्म में ही। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो इनके बीच में जो फोर्सेस है वो कितने स्ट्रांग है, और ये बात कितने लोग समझ रहे हैं कि फोर्सेस स्ट्रांग, तो एक तो लैटिस एनर्जी ही डिसाइड कर देगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। इज दैट क्लियर और नॉट, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, एक तो ये फैक्टर है। लेकिन दूसरा कितने लोग कह रहे हैं सर ये कंपाउंड 100% आयनिक होता ही नहीं है, कोई भी 100% आयनिक नहीं है तो मतलब कोवलेंट कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है, और बेटा कोवलेंट कैरेक्टर से जो चार्ज है ना ये न्यूट्रलाइज होते हैं। अब बताओ शेयरिंग होने लग जाएगा तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के अगर अंदर एंटर करेगा तो इसका नेगेटिव भी कम होगा, और इसका इट इज जस्ट लाइक दैट कि पॉजिटिव को आप थोड़ा सा माइनस सप्लाई कर रहे हो और माइनस को थोड़ा सा, तो इनके जो चार्जेस हैं वो कम होने लग जाएंगे ना। अगर कोई +2 है मैं उसको दे दूं -1 तो कितना हो जाएगा, वो +1, समझ आ रहा है। तो शेयरिंग, एक तो अच्छे से शेयरिंग भी नहीं हो रहा है, या तो प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड हो। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पोलराइजेशन के वजह से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के बॉन्ड, मतलब ये जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्ट करने की वजह से ये थोड़ी थोड़ी शेयरिंग होने लग जाती है। सुनो
और इसी शेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, यही पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होना ये अच्छी बात नहीं है फोर्सेस के लिए, क्योंकि वो चार्ज डिक्रीज कर रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड कोई खास अच्छा बना नहीं रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट इज, क्योंकि कोवेलेंसी जनरली उनको ना मॉलिक्यूलर फेज में लेके जाती है। जैसे अब मैं आपसे बात करूं Cl2 एक 100% कोवेलेंट कंपाउंड, तो बताओ ये मॉलिक्यूलर होता है या नहीं? क्या एक क्लोरीन सिर्फ एक ही क्लोरीन से जुड़ा है? ना, दुनिया भर के क्लोरीन में इतने सारे हैं लेकिन सब एक दूसरे से तो नहीं जुड़े हुए, सिर्फ ये दोनों। तो गर्म करोगे तो ये इनके साथ अटैच नहीं है तो आराम से बाहर आ जाएगा। इसलिए जितने मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है। वॉटर हो गया कितने डिग्री पे मेल्ट होता है? 0 पे। बॉयल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये सुनो, बोलो भाई, आयोडीन कहने के लिए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है लेकिन अगर आप उसकी मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो वो 100 के भी नीचे है ना। वहीं सोडियम क्लोराइड NaCl ले लो, आयनिक कंपाउंड, उसको गर्म करते रहो यार, तवे पे भी रख दो जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो भी कुछ नहीं होने वाला उसका, मतलब वो कम से कम 1000, 1200, 1500 वाले रेंज में चला जाएगा। लेकिन अगर कोवेलेंट नेटवर्क जैसा हो जाए, जैसे डायमंड का होता है, मतलब हर एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं है, तो जहां पे कोवेलेंसी मॉलिक्यूलैरिटी क्रिएट करती है, मॉलिक्यूल बनाती है, रेस्ट्रिक्टेड उनके बॉन्ड को करती है कि भाई कुछ ही लोगों से बना सकते हो, ऐसे केस में उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है। या तो ढंग से कोवेलेंट होगी, हर एटम दूसरे एटम से जुड़ा हो, तब इनको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 2500-3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। डायमंड इज दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट बर्न सो इजली, है ना। द रीजन इज आई टोल्ड यू कि थ्री डायमेंशनल, तो कोवेलेंट या तो ढंग से कोवेलेंट हो, नेटवर्क कोवेलेंट हो, नहीं तो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है तो इससे कोई, मॉलिक्यूलर कोवेलेंट का मतलब जिनके मॉलिक्यूल आइसोलेट किए जाएं, 2 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 15 एटम, 20, जिनका फॉर्मूला लिखा जाता है। डायमंड का कोई फॉर्मूला लिखोगे क्या? यू विल से कार्बन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। जिनमें नेटवर्किंग दिखने लग जाए, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़ा हो, इसको नेटवर्क बोलते हैं। ये जाइंट स्ट्रक्चर हैं। SiO2 इज ऑल्सो वन ऑफ सच एग्जाम्पल। सिलिकन SiO, SiO, तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है, और जब नेटवर्क होने लग जाए तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोल तो यार एमॉर्फस फॉर्म है, जगह जगह से बॉन्ड टूटे रहते हैं उसके। कोल इज नॉट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ना, सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस होता है ना। समझ में आया? तो इनमें कोवेलेंसी बड़ी खराब चीज है। कोवेलेंसी क्रिएट कर दोगे तो मॉलिकुलर नेचर आएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर के उल्टा। अब मजे की बात तो मैं दिखाता हूं, सारे क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिर RbCl एंड CaCl, है ना। अगर तुम इसमें लैटिस एनर्जी से देखो, लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा है बेटा? LiCl का। ये सुनो, तो इसका बढ़िया होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट बाई लैटिस एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट बाई कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट बाई कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बाई कोवेलेंट कैरेक्टर देखने की बात करूं तो कितने लोग कह रहे कहानी पलट जाएगी सर, क्योंकि कोवेलेंट सबसे ज्यादा ये है LiCl। बोलो भाई, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो गया ये लिथियम, लिथियम के कंपाउंड ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम, तो मतलब बाई कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे तो यही LiCl से ज्यादा। और सर जब एंटी पैरेलल हो जाए ना तो कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि तब ये नहीं पता होता है कि मैं किसको डोमिनेट कर रहा हूं, किसको रहने दूं। ऐसे केस में सिर्फ डेटा ही आंसर सही देते हैं, तो डेटा देखना पड़ता है, और डेटा देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट कम, सोडियम क्लोराइड का ज्यादा, LiCl, NaCl, एंड उसके बाद फिर ड्रॉप होते हैं ऐसे करके। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द क्लोराइड ऑफ एल्केली मेटल इज ऑफ
सोडियम क्लोराइड आयनिक भी अच्छा है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम है और लैटिस एनर्जी भी दूसरे नंबर पे। लिथियम के साथ प्रॉब्लम यह है कि लैटिस तो अच्छा था लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा होता है ग्रुप में, इसलिए उसका वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे आ गया, समझ गया ना। तो डेटा ये बोलता है, तो ये है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इतना था ही नहीं, इतना डीप था ही नहीं। आप अगर चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको एक आंसर उसमें से डायरेक्ट मिल जाएगा, इतना कहानी करना ही नहीं पड़ेगा। चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं चारों ऑप्शन। जो जो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ते जाओ। लिथियम क्लोराइड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, हो भी सकता है, नहीं भी नहीं पता है हमें, क्योंकि डेटा बेस है। लिथियम क्लोराइड डिजोल्व मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यार अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों डिजोल्व होता है, ये भी कंफ्यूजन लग रहा है, कभी सर ने सुनाया नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं। लिथियम क्लोराइड है मोर आयनिक कैरेक्टर देन NaCl, दिस इज द पॉइंट। LiCl से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और इसमें यही लिखा है और पूछा है रॉन्ग। तो आप चारों पेशेंस के साथ पढ़ते तो एक तो बिल्कुल हलवे जैसा आंसर मैंने दे रखा था, उसको बढ़िया से पढ़ते तो आपको दिख जाता, और आपको उन चारों से क्या मतलब है, एक मिल गया ना आपको, एक ही गलत होगा, बाकी नहीं। मतलब ये क्वेश्चन आप पेशेंस से पढ़ते तो आपसे हो जाते, चाहे आपको तीन तीन ऑप्शन नहीं आ रहे हो। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला, इस बार थोड़ा सा बैठ के मैंने पेपर बना दिया था, तो मैं सारे स्ट्रेटजी चाहता था कि बच्चे सोचे एग्जाम के टाइम में। अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखो, आपको चार नंबर ऑब्जेक्टिव में लाने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आते हो तभी लाओ, ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल। आपको एक चीज पे तो कॉन्फिडेंस है ना कि आयनिक कैरेक्टर निकाल पाओगे, कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल पाओगे, इतने सारे तरीकों से हमने सीखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, फजान्स रूल से, लगा लोगे ना, तो फिर तो वो चीज तो पकड़ पाते, कम से कम उसको तो चेक करते कि ये सही है नहीं। अगर वो कंफर्म हो जाता तो खत्म, वो आंसर ही बस वही था और तो कुछ था ही नहीं। और बाकी रही बात बाकी सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट वाला कहानी आपको सुना दिया, इसके बाद बताता हूं। जो कोवलेंट जितने ज्यादा होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व इसलिए होते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर पोलैरिटी थोड़ी कम होती है, एंड जितना आयनिक उतना पोलर सॉल्वेंट में, जितना कम आयनिक उतना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। तो लिथियम क्लोराइड कोवलेंट ज्यादा होने की वजह से, तो ये स्टेटमेंट सही था लेकिन पूछा ऊपर से रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्यूज्ड LiCl वुड बी मोर कंडक्टिंग देन दैट ऑफ फ्यूज्ड NaCl, ये भी बात सही है। फ्यूज्ड मतलब आयनिक स्टेट में आ गया है, अब जब सॉरी मतलब पूरा आयन्स के फॉर्म में ब्रेक हो गया लाइक दिस। अब इसमें बताओ जो छोटा होगा वो ज्यादा तेजी से भागेगा, छोटा कौन है, लिथियम या सोडियम, तो इसलिए लिथियम की कंडक्टिंग बेटर होगी। यही पानी में पूछ देता तो गेम हो जाता, पानी के अंदर लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि उसको चलने में ही, ये कुछ वैसी वाली बात है कि आप रन करने में तो अच्छे हो लेकिन आपके ऊपर कई सारे वेट टांग दिए गए हैं, एकदम अच्छे से खूब सारे लटका दिए गए हैं वेट आपके साथ, तो क्या करोगे, भाग ही नहीं पाओगे यार। तो यही वाला हाल हो जाता है लिथियम का, कि लिथियम छोटा तो था, इतना बर्डन कर दिया उसको वेट डाल डाल करके, H2 H2 खूब सारे H2 आके चिपक गए कि अब वो मोशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी खराब होती है पानी के अंदर। लेकिन मोल्टेन में तो पानी है ही नहीं, आयंस वैसे ही दूर दूर हो गए हैं, प्लस माइनस दूर हो ही चुके हैं, अब यहां भी आयंस दूर दूर है, सोडियम क्लोराइड में भी दूर दूर है, कौन तेजी से भागेगा, क्लोराइड सब में कॉमन है, जो छोटा है वो भागेगा तेज, लिथियम विल रन फास्टर एज कंपेयर टू लिथियम। बेटा आयनिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, लिथियम इज बॉन्डेड विथ क्लोरीन नॉट बॉन्डेड विथ सोडियम, तुम कहां पे आयनिक कैरेक्टर देख रहे हो, तो गैप यहां और यहां में किसका ज्यादा होगा, इसका तो ज्यादा होता है ना 3, और इसका बढ़ गया तो इसका गैप सिर्फ 2 का रहा, इसका 0.9 होता है, इसका 3 है, तो गैप, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स की कम होगी वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा, इसका गैप कितना होगा 2.1। ऐसी गलतियां करोगे सिली सिली तो कैसे होगा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आइए और बताइए, और कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो,
पहले 40 के अंदर तक पूछ लेते हैं, उसके बाद। और कोई डाउट है 40 के अंदर? पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो यार, सीखोगे ही कुछ। 40 41। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी दिया हो ना, तो उसके झांसे में मत आओ, क्योंकि वहां से देखना थोड़ा क्लमजी होता है। आप उससे एटम डिराइव करो, बताओ किस कौन से एटम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 होगा, 3p6 4s2। फोर्थ पीरियड में s2 किसका होता है? तो भाई s2 का मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, Ns2 होता है ना। बेरिलियम का 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, 4s2 मतलब कैल्शियम, यानी पहला एटम कैल्शियम है। तो x जो था वो कुछ और नहीं, कैल्शियम। अच्छा जी, y क्या है? 3p5 है, 3s2 3p5। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कौन से ग्रुप में है? हाँ, 7 है वैलेंस शेल में, हैलोजन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। 3p5 किसका होगा? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन। अब बताओ कैल्शियम और क्लोरीन में कंपाउंड नहीं पता, बस खत्म। CaCl2 और CaCl2 लिख दिए, तो ये x ये y2, बस खत्म। कितना घटिया सा था ये, ऐसे देखना था इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के करोगे तो समझ में नहीं आएगा। खैर वो भी हो जाता, लेकिन उसमें थोड़ी सी और मैच्योरिटी लगती। 43 बताना है कौन सा? 42 किसी ने पूछा क्या? बता दे रहा हूं, 42 किसी को डाउट है? 42 में ये भी देखो, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि कॉपर एंड अमोनिया के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो देख बेटा, कॉपर +2 स्टेट में, अमोनिया 0 स्टेट में, आयनिक बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते। बोलो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, इसको सारे नाम है ना इसके, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखो, बॉक्स वाले जो भी कंपाउंड आए उसमें मेटल और लाइगेंड के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ओके जी, 43। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज सेम। ये मेरे ख्याल सही क्या होगा, नहीं इसमें सिले मिस्टेक कर दो तो अलग बात है, वरना ऐसा कोई दम का नहीं। और बताओ, 44 बताना है। हाँ, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है यार। अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन? नहीं। तो VBT क्या बोलता है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो सीधा बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड कहां है? 1s2 2s2 एंड 2p। p में कितने हैं? 1 2 3, यानी इसके पास 2s है और 2p x y एंड z। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। मैंने उम्मीद किया था ये सब सही करोगे यार तुम लोग, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ केस है कि अमोनिया के केस में एक्सपेक्टेड एंगल फ्रॉम VBT इज 90 डिग्री, क्योंकि PX एंड PY के बीच में एंगल कितना है? 90। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो इनके बीच में भी एंगल, तो 90 डिग्री एक्सपेक्टेड है, बट रियलिटी 10 से। मुझे लगता है तुमने रियल एंगल मार्क कर दिया, हीरो बनकर। थियरी देखो क्या पूछा है, एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, और मैंने उसको और थोड़ा मॉडिफाई किया, अमोनिया मॉलिक्यूल शुड हैव, ताकि आपको डाउट आ जाए, अच्छा इसका मतलब रियल एंगल कुछ और हो सकता है क्या? तो VBT स्ट्राइक करे। यहीं से मैंने आपको शुरुआत करी थी कि व्हाई वी नीड टू मॉडिफाई VBT। इसको बोलते हैं बेसिक से क्वेश्चन पकड़ के करना। कितने लोग का सही हुआ था ये हाथ उठाओ, क्लास में 2-3 लोग। बेसिक से पकड़ के क्वेश्चन को करने की एबिलिटी जिनकी अच्छी होगी वो सब्जेक्ट में अच्छा होते जाएंगे। अब आपने ये पूरी थियरी पढ़ी, सारी कहानी पढ़ी, लेकिन लास्ट में सिर्फ आप एक्सपर्ट किसमें हो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। और यही होता है ज्यादातर बच्चों के साथ, क्योंकि ऐसे कितने क्वेश्चन में बना सकता हूं, एक या दो ड्रॉबैक पे। ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनेंगे? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 कार्बोनेट दिस दैट दैट। तो प्रैक्टिस भी ज्यादा उसी की होगी, आप थियरी से दूर हो जाओगे, आपको लगेगा आपको तो सब आता है। इसलिए सवाल लगाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पूरे थियरी को रिवाइज करना भी है, ताकि आपको ऐसे छोटे पॉइंट दिमाग से निकले ना। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सब कुछ। नहीं हो सकता, हाँ ठीक है। चलो भाई अब बताओ,
45 तक में और कोई डाउट है? अच्छा वो क्वेश्चन, वो तो आसान क्वेश्चन है यार। देखो ये बेसिकली बोल रहा है कि 2s 2s, फिर मैं बोलूंगा 2s 2s मतलब कौन से बॉन्ड समझो तुम? 2s किसका वैलेंस सेल होता है? सोडियम का। अरे 2s1 2s1, सॉरी सॉरी ये 3s1 होगा, मतलब लिथियम लिथियम का। ये सुनो, अब मुझे बताओ लिथियम लिथियम का बॉन्ड स्ट्रांग होगा या फिर किसका? यहां से मैं आ जाऊं कार्बन कार्बन का जो 2p 2p यूज कर रहे, बोलो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। जब ओवरलैप की बात हो रही हो तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड कब अच्छे होते हैं? जब उनका साइज कम होता जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाए। ये बॉन्ड एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? लेसर द साइज, बॉन्ड ऑर्डर तो वन ही है दोनों का, लेसर द साइज ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है ना, तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज कम होता जाता है, तो इसलिए पी पी के बीच में इंटरेक्शन सबसे अच्छा, एस पी के बीच में उसके बाद, और सबसे खराब किसका? तो ये उस पे बेस था बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने मतलब कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए थे जो डायरेक्ट नहीं थे। आइए और बात करते हैं। 40 45, कौन से 40 45 बताना है? 48 बताना है। चलो अच्छा ठीक, आपने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लिए क्या Cl2O7 में? ये कितने लोगों का सही हुआ था? तो कितने लोगों का सही हुआ था? नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन Cl2O7, हाथ उठाओ। तो यार कायदे से तो ये सारे लोगों को पूछना चाहिए। किसमें? नहीं 0006 नहीं होता है, पहला डिजिट ही 6 लिखोगे ना। तूने क्या लिखा था? 0006 लास्ट 6 लिख करके क्या? अभी चलो सर कर दें, फिलहाल तो अभी इसका आंसर देखते हैं। Cl2O7 इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, ध्यान से देखो। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है ना, तो 2 क्लोरीन है तो कॉमन सेंस से 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक ऑक्सीजन का ब्रिज कर दो, बना। तो इसमें देखो पाई ये होगा, पाई ये होगा, पाई ये, 3 इधर 3 इधर। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कौन से पाई है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तरीका कैसे होता है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कितना आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। इसका मतलब p के सारे ऑर्बिटल यूज हो गए क्या बनाने में? सिग्मा। ये सुनो, तो जो बचा हुआ बॉन्ड है वो क्लोरीन ने अपना किससे बनाया होगा? d का यूज करके। तो यानी क्लोरीन इज यूजिंग इट d, क्योंकि इसका p फ्री ही नहीं है, और ऑक्सीजन जो किनारे से आ रहा है तो वो तो p से, तो यानी नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो गया? पी पाई डी पाई। ऐसे चेक करते हैं, ये तरीका है। पी पाई डी पाई। और मैंने जब मॉड्यूल डिस्कस करके आप लोगों को उसमें डाला था कि बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लेना आप लोग, उसमें पी पाई डी पाई का केस भी डिस्कस किया था, कैसे पहचानते हैं कहां पे क्या होगा, कुछ फॉलो करोगे बात तब ना। तो ये आ गया पी पाई डी पाई। तो 1 2 3 4 5 6 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब तुमने ये बताओ, जैसे ये बबल्स हैं यहां, पहले पे ही 6 मार्क किया हुआ, हाँ, और बाकियों में तो ठीक किया है, चेक कर लो तुम उसको, दोबारा चले जाना देखने। चलो ठीक है बेटा, अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पे हम लोग? 47। वो टेक्निकलिटी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे करा लोगे करेक्शन हो जाएगा।
नंबर बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं वो तो यार वो चेकिंग होती है बेटा, तो कई सारे पे तुम्हारे क्रॉस लगा होगा, तो वो चेकिंग होती है, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो नंबर मिले है ना बस। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत। हाँ चलो, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, ये तो कर लिया होगा सबने। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है? चार, अमोनियम आयन, तो इसलिए 4 होगा। 48, ये भी हो गया होगा। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम है सभी को? फॉर्म करो मेहनत सब। ये बड़े चैप्टर्स हैं यार, ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं दोनों ही, क्योंकि दोनों का अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके वजह से बहुत बड़े बड़े। इतने बड़े चैप्टर अब आपको सिर्फ एक मिलने वाला है पूरे केमिस्ट्री में, और वो है थर्मोडायनेमिक्स। वो भी शायद इतना लेंदी ना हो, 12 लेक्चर का, 10 लेक्चर का टॉपिक नहीं होगा, वो होगा 7 8, बस इतना तक जाते जाते खत्म। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो इसमें सिग्मा पाई, सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां दो बॉन्ड बने हैं, तो एक सिग्मा और एक, तो टोटल सिग्मा कितना? 12, पाई कितना? 3, बस सिग्मा टू पाई रेशियो देख लो। अच्छा जी, इसके अलावा ओके वेरी नाइस, एलीन देखो क्या होता है, फट क्या है फॉर्मूला? C3। तो आप दो चीज कर सकते थे इसमें ना, आप इसमें ऐसा कर सकते थे, C3H4 देखते हुए कितने लोग कह रहे हैं एल्काइन, हम समझ सकते थे। नहीं वैसे एलीन क्या होता है वो मैं बताता हूं। एलीन इज दिस मॉलिक्यूल माय डियर, लगातार डबल बॉन्ड आए 3 कार्बन का, तो ये एलीन होता है। इसका फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, C3H4, यही है ना। क्या पूछा है इसमें? SP हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो बता इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? SP2। इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये बीच वाले का बता, SP हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? तो तुम्हें मालूम है कि SP जब एक S और एक P मिलता है तो क्या बनता है? SP2 + SP2, ध्यान है ना, दो डब्बे बनते हैं ना, जितने ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। तो SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहने का मतलब, इस एटम के पास एक इधर SP, सॉरी SP है, SP था ना, SP था सॉरी, और एक इधर SP है, ध्यान है ना, तभी तो ये लीनियर होता है। ये भी हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक, एकदम बेसिक प्रिंसिपल पे था। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। ओके, एंड उसके बाद आखिरी वाला जो क्वेश्चन था वो बड़ा ट्रिकी सा था, उसमें आपको स्ट्रक्चर आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है जिसमें P 33% हो, बस बात खत्म है, यानी 0 आएगा आंसर। SP हो, SP2 हो, SP3 हो, SP3D हो, कोई भी निकाल के देखो यार। और वैसे भी कार्बन का आगे अगर जाओगे तो थोड़ा बहुत चांसेस बनेगा, लेकिन अभी तो नहीं, फिलहाल ये 75% है, यहाँ 66 है, यहाँ 50% है पी करेक्टर, पी की बात हो रही है ना, 1 पी अपॉन टोटल 2 ऑर्बिटल, 2 पी अपॉन ये 2/3 × 100, ये 3 3 पी अपॉन टोटल ऑर्बिटल 4 × 100, ऐसे करते जाओ। अब कार्बन तो वैसे भी सिर्फ पी तक ही यूज करता है, डी तो उसके पास होता ही नहीं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। एंड मुझे लगता है कि 0 लगाने में सबका हालत खराब हुआ होगा, कि पता नहीं यार 0 भी आ सकता है क्या आंसर, कितने लोगों ने लगाया था 0? हमें वही बोल रहा हूँ, चलो ये सब लर्निंग है, पहला पेपर था, ये सब धीरे धीरे लर्न करो। चलो ठीक, ओके, तो ये डिस्कशन यहीं पे रोकता हूँ मैं।